वेलकम ऑल टू जी एस एन लॉ डेली लीगल एंड पॉलिटिक करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है आज हम 24 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखेंगे ये वीडियो एडवोकेट सी ए सी एस और इन प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है और अगर आप यूपीएससी पी एस सी जुडिशरी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जी एस आता है तो आपको ये करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करना चाहिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं आज हम इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे पहला है डोमेसाइल कोटा इन मध्य प्रदेश अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अजीब सा ऑर्डर दे दिया है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं तो इसकी क्या लीगलिटीज हैं? इसके बारे में हम देखेंगे फिर हाल ही में गवर्नमेंट ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं। इसमें हम अपने बेसिक्स को तैयार करेंगे इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट में जो इमामी और एच के बीच में ट्रेडमार्क का केस चल रहा है उसमें नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनको आज हम कवर करेंगे और लास्टली इंडियन साइंटिस्ट्स ने लो कॉस्ट सुपर कैपेसिटर्स जो कि वेस्ट मटेरियल से बने हैं उनकी सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है और ये न्यूज भारत की फ्यूल डिपेंडेंसी से रिलेटेड है तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज से अब हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए होगी या फिर हम कहें जिनका डोमिसाइल मध्य प्रदेश का है यहाँ पे इन्होंने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट फ्रेज का इस्तेमाल किया लेकिन इस डिक्लेरेशन ने काफी सारे डिबेट्स को जन्म दे दिया है रिवॉल्विंग अराउंड फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी अच्छा थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं हमारे देश के मार्क्सिस्ट इंटेलिजेंसिया के हिसाब से इंडिया नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है और ये डिविजन एक रियालिटी है लेकिन अगर हम भारत को हिंदी भाषी राज्य और नॉन हिंदी भाषी राज्य में डिवाइड करते हैं तो हमको एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस मिलता है जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, उनके अंदर रीजनलिज्म की भावना नहीं है रीजनलिज्म मतलब जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उसकी तरफ आप काफी ज्यादा बायसड हो और रीजनलिज्म नेशनलिज्म के ऑपोजिट है हालांकि हिंदी भाषी राज्य में हम लोग आपस में दूसरे राज्यों के लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं उनपे जोक्स बनाते हैं मतलब आप अगर दिल्ली चले जाइए तो वहां पर यूपी वाले लोगों को बहुत ही रस्टिक समझा जाता है बिहार के लोगों के लिए एक स्टीरो बना लिया गया है कि वो लोग सिर्फ मजदूर होते हैं यहाँ तक कि अपने लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर में मेरी पूरी क्लास देहरादून गई थी तो वहाँ पर भी होटल के रिसेप्शनिस्ट ने कमेंट किया कि देखो यूपी वाले आ गए तो ये सब तो चीजें हैं बट हम लोगों के अंदर पॉजिटिव रीजनलिज्म नहीं है जबकि अगर हम मध्य प्रदेश के बाद के स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर काफी ज्यादा रीजनलिज्म है मतलब महाराष्ट्र का तो आपको पता ही है इसके अलावा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी है और उसी के बेसिस पे उस स्टेट का बंटवारा हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बटे हुए हैं लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में ऐसा हमको कम दिखता है तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये मूव उनके ही प्रिंसिपल्स के खिलाफ है मतलब बीजेपी नेशनलिज्म को सपोर्ट करती है रीजनलिज्म को रिजेक्ट करती है और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है मामा जी इनको मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन याद कर लेना चाहिए जब उन्होंने कास्ट बयानबाजी कर दी थी और काफी सारे बीजेपी के वोटर्स ने नोटा को वोट दे दिया था और मामा जी से पहले जो सीएम थे मिस्टर कमलनाथ वो भी कुछ ऐसी ही पॉलिसी लेकर आने वाले थे कुल मिला मेरा ये कहना है कि इनके इस पॉलिटिकल मूव का या तो न्यूट्रल इफेक्ट रहेगा या फिर निगेटिव इफेक्ट रहेगा क्योंकि यूपी एमपी या छत्तीसगढ़ के लोगों को आप आपस में नहीं लड़ा सकते हैं इन एरियाज में लोग क्रॉस स्टेट शादियां करते हैं रिश्तेदारी है उन लोगों की और उसमें रीजनलिज्म की भावना जगाना लोगों के अंदर ये बहुत ही गलत है तो वापस से हम इस पॉलिसी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे बात कर लेते हैं अब आर्टिकल 16 हमने कई बार अपनी वीडियोस में कवर किया है लेकिन फिर भी यहाँ पर एक वर्ड का मतलब जरूर डिस्कस कर लेते हैं ओनली क्योंकि इसी वर्ड की वजह से जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने ये भी बयान दिया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है बिकॉज हमारी ये पॉलिसी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है और एडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाले केस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी नॉन हिंदी भाषी राज्य में हम जाते हैं तो वहाँ की जॉब्स में ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी लोकल लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए तो वहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं बल्कि लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा है और वो चीज प्रैक्टिकली सही भी है क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर सरकारी जॉब में हैं, तो आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि हिंदी भाषी राज्यों में पॉलिसी ये फॉलो होती है कि दूसरे राज्य के लोगों को जनरल में ही गिना जाएगा मतलब उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा इसलिए आर्टिकल सिक्सटीन टू जो कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में प्रोवाइड करता है ये बहुत ही बड़ा हर्डल है इस पॉलिसी के लिए अच्छा आगे आर्टिकल सिक्सटीन थ्री में आर्टिकल सिक्सटीन टू का एक्सेप्शन दिया गया है कि पार्लियामेंट इस विषय पे लॉ बना सकती है कि, कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो जॉब्स प्रोवाइड कराई जाएंगी उनकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी और इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस भी आता है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होने का मतलब है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही इस विषय पे लॉ बना सकती है स्टेट लेजिस्लचर्स नहीं बना सकते अब देखिए बहुत सारे कम्युनिस्ट का ये कहना है इंक्लूडिंग शेखर गुप्ता कि इंडिया इज अ ज्योग्राफिकल स्टेट क्योंकि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है और इंडिया का वो आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं मानते बट सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव बीन एन आइडियोलॉजिकल स्टेट क्योंकि तब हमने अपने आप को एक नेशन के सूत्र में बांधा और अपने सिटीजन्स को सिंगल सिटीजनशिप दी और ये भी राइट दिया कि उनके पास ये राइट है कि वो फ्रीली मूव कर सकें विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया कुल मिला के नेशनलिज्म के नाम पे ही पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा इसलिए यदि प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेसिडेंस के नाम पे कोई स्टेट क्वालिफिकेशन रखता है किसी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा इन दी लाइट ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स अब हम देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में क्या जजमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेसिडेंस के नाम पे रिजर्वेशन के खिलाफ ही रही है और सबसे पहली बार उन्नीस की डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की रूलिंग में जुडिशरी ने सन्स ऑफ सॉइल के इशू को एड्रेस किया लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ओपिनियन दिया और कोई भी एक्सप्रेस रूल नहीं बनाया कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि आर्टिकल सिक्सटीन टू के प्रोविजंस के बावजूद कुछ स्टेट्स सन्स ऑफ सॉइल की पॉलिसी अपना रहे हैं यहाँ पर सन्स ऑफ सॉइल का मतलब है किसी स्टेट में पैदा होने वाले व्यक्ति कोर्ट ने आगे कहा की प्राइमा फेसी ऐसी पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता यहाँ पर प्राइमा का अर्थ है पहली नजर में लेकिन आगे कोर्ट ने यह भी कह दिया कि के हमारे केस में ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है और इसलिए कोर्ट ने कोई भी रूलिंग इस विषय पे नहीं दी इसके 11 साल बाद सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन वाले केस के ऑब्जर्वेशन को सही बताया और इस केस में एक्सप्रेसली इन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया जहाँ पर पांच परसेंट एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा था उन कैंडिडेट्स को जो कि तेलुगु माध्यम से थे अब सवाल बनता है कि जो लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया है जॉब्स में उसमें और इस पॉलिसी में क्या अंतर है यहाँ पर 5% परसेंट एक्स्ट्रा वेटेज रिजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव से दी जा रही है जबकि जो लैंग्वेज वाला पॉइंट होता है स्टेट गवर्नमेंट्स में वहां पर इम्प्लॉयमेंट के लिए ही वो रिक्वायरमेंट होती है तो क्यूँकी जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा अगर किसी स्टेट के सरकारी एम्प्लॉई को उस स्टेट की भाषा नहीं आती होगी और वो लोकल लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा इसके बाद 2002 का कैलाश चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में ये कह दिया था कि एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द डिस्ट्रिक्ट्स और रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स कंसर्न कि जो कैंडिडेट्स स्टेट के हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को इनवैलिड बता दिया और कहा कि ऐसी नैरो माइंडेड सोच को रिजेक्ट किया जाना चाहिए अब यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है पैरोशियलिज्म इसका लिटरल सेंस नैरो माइंडेडनेस है और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ऐसी पॉलिसीज आर्टिकल सिक्सटीन टू के प्रोविजन के खिलाफ जाती हैं अब देखिए हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की जो कि हाल ही में डिक्लेयर किए गए हैं अब देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स वैसे तो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं और इस साल कौन कौन से हाईलाइटेड प्लेयर्स को मिला है इसको हमें जानने की आवश्यकता है इसमें सबसे पहले है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने पिछले चार साल के दौरान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया हो ये अवार्ड ईयर 1991-92 में पहली बार दिया गया था और इसके पहले रिसिपियंट विश्वनाथन आनंद थे जो कि आपको पता ही होगा कि चेस के प्लेयर हैं। इस अवार्ड में साढ़े सात लाख रुपए मिलते हैं और एक स्क्रोल ऑफ ऑनर भी मिलता है बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न के रिसिपियंट की तो सबसे पहले रोहित शर्मा हैं। अब बहुत से लोग विराट कोहली को बताते हैं कि वो सचिन को रिप्लेस कर सकते हैं बट इन माई ओपिनियन रोहित शर्मा इज दी बेस्ट कैंडिडेट ऐसा इसलिए है क्योंकि सचिन वॉज फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन एन ओडीआई जबकि रोहित शर्मा के पास रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे ज्यादा रन किसी एक ओडीआई में बनाए हैं 2014 में श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में इन्होंने 264 रन्स स्कोर किए थे मतलब इतने रन बना दिए जो कि पूरी की पूरी टीम्स बनाती हैं किसी मैच में और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने एक ही बार ये चीज करी हो बल्कि अभी तक इन्होंने तीन डबल सेंचुरीज लगा चुकी हैं वनडे इंटरनेशनल्स में और इनके गेम की खासियत यही है कि ये हर 50 के साथ एक्सेलरेट होते चले जाते हैं अच्छा हाल ही में आईसीसी ने इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जनवरी 2020 में फिर देखिए पैरा एथलीट्स को यदि कोई अवार्ड मिला है तो उसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सरकार का प्रयास ये है कि पैरा एथलीट्स को नॉर्मल एथलीट्स के लेवल पे लाया जाए ताकि पूरे देश में जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो तो यहाँ पर आप मरियपन टी का नाम जरूर याद रखिएगा ये हाई जंप में पार्टिसिपेट करते हैं और 2016 के रियो पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था अब देखिये बैडमिंटन के अलावा टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जहां पर इंडिया चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा नाम मनिका बत्रा का है 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में इनको ब्रॉन्ज मिला था जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि 2018 में हुए थे इनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा था जहां पर इनको दो गोल्ड एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मिला था अब आते हैं हम ड्रोनाचार्य अवार्ड पे ये अवार्ड उन कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा मेडल्स या फिर अवार्ड प्रोड्यूस किए हों ये अवार्ड 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसमें पांच लाख का कैश प्राइस और द्रोणाचार्य की ब्रॉन्ज फिगरीन मिलती है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि द्रोणाचार्य महाभारत में जो पांडवों और कौरवों के टीचर थे उनका नाम था अब द्रोणाचार्य अवार्ड दो कैटेगरीज में दिया जाता है पहला लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरा रेगुलर कैटेगरी लाइफ टाइम कैटेगरी में आपको यही तीन नाम याद रखने हैं क्योंकि देखिए हॉकी को हम लोग नेशनल गेम मानते हैं ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है बट हम मानते हैं कबड्डी हमारे इंडियन सबकोटिनेंट से ही ओरिजिनेटेड है और आज भी कबड्डी की फील्ड में इंडिया और पाकिस्तान का ही डोमिनेंस है फिर रेगुलर कैटेगरी की बात करें तो जूड फिलिकस्टियन का नाम आप याद रखेगा और ये इंडिया के ही हैं मतलब नाम देख के आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये फॉरेनर कोच हैं। उसके बाद योगेश मालवीय का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये मलखम्ब स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं मलखम्ब की लिटरल मीनिंग है रेसलिंग पोल और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से ओरिजिनेटेड स्पोर्ट्स है जिसमें या तो एक वर्टिकल लकड़ी के पोल का इस्तेमाल होता है या फिर एक हॉरिजॉन्टल पोल का इस्तेमाल होता है जिसपे हैंगिंग मलखम किया जाता है या फिर एक रस्सी का इस्तेमाल होता है जिसमें वो सारी चीजें की जाती हैं जो हमारे यहाँ के नट करते हैं इस स्पोर्ट्स में जनरली पोल के ऊपर या फिर रस्सी के ऊपर एथलीट योगा पोजीशंस डिस्प्ले करते हैं इसके बाद वोशू कोम्फू का एक कोडिफाइड फॉर्म है जिसमें मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की जाती है और बॉक्सिंग गियर का इस्तेमाल होता है फिर अर्जुन अवार्ड उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने पिछले चार साल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की हो ये भारत का ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है जो कि 1961 में शुरू किया गया था इसमें पांच लाख का कैश प्राइज मिलता है अर्जुन का एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है और एक स्क्रोल दिया जाता है सलीम दुरानी पहले क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था अब इस लिस्ट में ईशांत शर्मा को आप जानते ही हैं। इसके अलावा दुती चंद को ये अवार्ड जकार्ता में हुए 2018 के एशियन गेम्स के लिए मिला है जिसमें इन्होंने 100 और 200 हंड्रेड मीटर्स में सिल्वर मेडल जीता था और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनली इंडिया स्प्रिंट इवेंट्स में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता इसके अलावा दीप्ति शर्मा प्रेजेंटली रैंक फोर पे हैं ऑफ आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग ऑफ ऑल राउंडर्स इसके अलावा इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स उन स्पोर्ट्स को कहते हैं जिनमें घोड़ों का इस्तेमाल होता है फॉर एग्जाम्पल पोलो लेकिन आज के समय में इक्वेस्ट्रियन उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को कहते हैं जिसमें घोड़े के पीठ पर बैठ के जम्पिंग टारगेट कम्प्लीट करने होते हैं विद इन अ फिक्सड पीरियड ऑफ टाइम इसके अलावा संदेश झींगन का नाम याद रखेगा इनको मैं इंडियन सुपर लीग से फॉलो कर रहा हूं, जहां पर ये केरला ब्लास्टर्स की तरफ से खेलते हैं इनकी पोजीशन सेंटर बैक की है और करेंटली ये इंडियन फुटबॉल टीम के मेंबर हैं। बात करें ध्यानचंद अवार्ड की तो ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मिलता है ये भारत का हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स की फील्ड में जो कि ईयर 2002 में शुरू किया गया था और इसमें पांच लाख का कैश प्राइज मिलता है और ध्यानचंद की एक फिगरीन मिलती है अब इस लिस्ट में आप रोइंग के बारे में जान लीजिए ये एक वाटर स्पोर्ट है जिसमें बोट रेसिंग होती है हालांकि बाकी बोट रेसिंग के बजाय इसमें पीछे की तरफ आपको अपनी बोट को चलाना होता है इसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स भी होते हैं और टीम्स भी होती हैं, या तो दो एथलीट्स की या तो पांच एथलीट्स की इसके अलावा टेंजिंग नॉर्गी अवार्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स की श्रेणी में दिया जाता है ज्यादातर लैंड एडवेंचर्स के लिए ये अवार्ड दिया जाता है इसलिए आप वाटर एडवेंचर और एयर एडवेंचर के कैटेगरीज को याद रख लीजिएगा इसके अलावा मगन बिस्सा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इस कैटेगरी में और ये फरवरी 2020 में इनकी डेथ हो गई थी बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड की तो ये टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को दिया जाता है और इस साल ये पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है लास्टली राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड उन कॉर्पोरेट एंटिटीज को दिया जाता है और उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने स्पोर्ट्स के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए कार्य किया हो इस साल ये अवार्ड इन सब लोगों को मिला है इनके नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ओ एन जी सी कंट्रोल बोर्ड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अब हिंदुस्तानी यूनिलीवर और इमामी के बीच में जो ट्रेडमार्क का केस चल रहा था ब्लू एंड हैंडसम ट्रेडमार्क के लिए उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर को इंटरम इंजंक्शन मिल गया है मतलब कि केस के डिस्पोजल तक इमामी इस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर पाएगा यहाँ पर इस पूरे केस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं अब ये जो केस था ये हिंदुस्तान यूनिवर के द्वारा फाइल किया गया था और इसमें ये क्लेम किया गया था कि एचयूएल ही ग्लो एंड हैंडसम ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर और प्रायर यूजर है अब अभी तक एच यू फेयर एंड लवली के नाम से अपनी फेयरनेस क्रीम निकाल रहा था बट पब्लिक के बैकलैश की वजह से इनको अपना ये नाम चेंज करके ग्लो एंड हैंडसम या फिर ग्लो एंड लवली रखना पड़ा इनकी जो मेंस रेंज थी उसका नाम था फेयर एंड लवली मेंस जबकि इमामी की जो राइवल प्रोडक्ट था उसका नाम था फेयर एंड हैंडसम तो कुल मिलाते मुद्दा यही है कि फेयर को ग्लो से रिप्लेस करना है मार्केट में अपनी गुडविल को बचाने के लिए और इसी वजह से दोनों कंपनीज आमने सामने हैं अब यहाँ पर ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एच के पक्ष में अपना इंटरिम फैसला सुनाया तो हम एचुएल के आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे उसी से हमें फैक्ट्स भी पता चल जाएंगे सितंबर 2018 में एचयूएल ने ग्लो एंड हैंडसम नाम के ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था इसके साथ साथ एचयूएल ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिख के ये परमिशन मांगी थी कि वो अपने ट्रेडमार्क को फेयर एंड लवली मेन्स से ग्लो एंड हैंडसम में बदल रहे हैं और इसलिए जो पुरानी परमिट थी उसको बदल के उसमें ग्लो एंड हैंडसम प्रोडक्ट का नाम कर दिया जाए अब जब ये मैटर सब्जुडिस था तभी 2 अगस्त को एफ का अप्रूवल आ गया इसके अलावा 3 सात 2020 को एच ने यानी कि प्लेटिफ ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने पब्लिक को ये बताया कि अब उनका प्रोडक्ट ग्लो एंड हैंडसम के नाम से आएगा इंस्टेड ऑफ फेयर एंड लवली 27 सात को डिफेंडेंट यानी कि इमामी ने ये अनाउंस कर दिया कि वो ग्लो एंड हैंडसम नाम के ट्रेडमार्क से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं अब इन सब फैक्ट्स को देखते हुए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्राइमो फेसी मतलब पहली नजर में ये प्रतीत होता है कि एच यूएल प्रायर एडोप्टर एंड यूजर ऑफ ट्रेडमार्क है प्रायर एडोप्टर मतलब एच यूएल ने पहले ही ग्लो एंड हैंडसम नाम के ट्रेडमार्क को एडॉप्ट कर लिया था और वो इस ट्रेडमार्क को यूज भी कर रहे हैं साथ ही साथ कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि एच ने अपने गुड्स को लॉन्च कर दिया है जबकि इमामी लॉन्च करने के प्रोसेस में है और इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को एड इंट्रिम इंजेंशन दे दिया गया और इसी के मद्देनजर इमामी को रेस्ट्रेन कर दिया गया कि वो ग्लो एंड हैंडसम नाम के ट्रेडमार्क को नहीं इस्तेमाल कर सकते जब तक कि इस केस का फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता इसके अलावा कोर्ट ने आखिरी में ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो ऑर्डर है ये किसी भी तरीके से कैलकाटा हाई कोर्ट में दायर की हुई डिफेंडेंट या फिर इमामी की पिटिशन को एफेक्ट नहीं करेगा और साथ ही ये भी कहा गया कि प्लेन्टेफ यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट से कोई भी इक्विटीज नहीं उठा सकेगा इन रिगार्ड्स टू यूज ऑफ ट्रेडमार्क ग्लो एंड हैंडसम जब तक कि केस का फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्लो एंड हैंडसम के नाम पे कोई भी इक्विटी शेयर शेयर मार्केट से नहीं ले सकता अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये बताया कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स शॉर्ट में आरकी ने वेस्ट मटेरियल से सुपर कैपेसिटर बनाने की टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो सेंटर है ये हैदराबाद में स्थित है और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है सवाल बनता है कि ये सुपर कैपेसिटर होता क्या है आसान शब्दों में जान लीजिए कि ये एक तरीके की बैटरी होती है जो की कम स्पेस में काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर लेती है और इसको बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट्स ने इमली के बीज और कॉटन वेस्ट का इस्तेमाल किया है और इसी की वजह से इसकी इतनी कम कॉस्ट है आने वाले समय में इन सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स में भी हो सकेगा हाइब्रिड व्हीकल्स उन गाड़ियों को कहते हैं जिनको चलाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें सुविधा ये रहती है कि आप स्विच कर सकते हैं कि आपको किस फ्यूल पे अपनी गाड़ी को चलाना है साथ ही साथ इनका इस्तेमाल ब्रेकिंग सिस्टम्स में और स्टार्ट एंड स्टॉप साइकल्स में भी हो सकेगा अब ये जो डिस्कवरी है ये जर्नल ऑफ मटेरियल साइंसेस एंड मटेरियल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स में पब्लिश किया गया था थोड़ा सा इसका टेस्टिंग प्रोसेस भी जान लेते हैं इस कैपेसिटर को बनाने के लिए वेस्ट मटेरियल को हाईली पोरस कार्बन फाइबर में कन्वर्ट किया गया पोरस मतलब छोटे छोटे छेद जिनसे एयर या फिर वाटर पास हो सकते हैं अब यहाँ पर इस सुपर कैपेसिटर की टेस्टिंग के लिए रैपिड टेस्टिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल में लाया गया जो कि सेंटर फॉर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो आर की चेन्नई की ब्रांच है उसके द्वारा डेवलप की गई थी इस पूरे टेस्ट से साइंटिस्ट को ये पता चला कि एक्टिवेटेड कार्बन मटेरियल को स्टेबिलिटी और पोर कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड की जा सकती है अब इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सोर्स है वो स्टेबल होना चाहिए और यही सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे साइंटिस्ट के सामने तो ये था हमारा एनालिसिस आज के करंट अफेयर्स का उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कल हम फिर से नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने आएंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद